नेक्स्ट टुनाइट न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में न जाने ऐसी कितनी हीरोइनें आईं जिन्होंने अपने एक्टिंग का लोहा इंडस्ट्री में मनवाया और इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम पाया। बिना हीरोइन के किसी फिल्म को बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, खासकर भोजपुरी फिल्मों की इंडस्ट्री में। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि भोजपुरी में सबसे ज्यादा एक्ट्रेस अलग अलग राज्यों से हैं। कुछ ही हीरोइनें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक कभी बिहार से रहा हो। साथ ही इन दिनों में ये भी देखने को मिल रहा है कि आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में नई नई हीरोइनों का पदार्पण होना जारी है। खेसारी तो हर फिल्म में ही अपनी नई नई हीरोइनों को लेकर आ रहे हैं, तो हीरोइनों के इस आगमन में ये चीज भी देखने को मिली है कि ज्यादातर हीरोइनें फिल्म इंडस्ट्री में बंगाल से ही आ रही हैं। जी हाँ, इसका एक उदाहरण मणि भट्टाचार्य संचिता बनर्जी हैं। जी हाँ, इसका एक उदाहरण है मणि भट्टाचार्य और संचिता बनर्जी, जिन्होंने हाल ही में फिल्मी करियर की शुरुआत की है। और इससे पहले भी भोजपुरी में ऐसी कई सारी हीरोइनें हैं जो बंगाल के कोलकाता की रहने वाली हैं। और एक बार फिर से अपकमिंग फिल्म में खेसारी के साथ दिखने वाली हैं अमृता पांडे, और ये भी बंगाल के कोलकाता की ही रहने वाली हैं। जब इसके पीछे का कारण हमने जानने की कोशिश की तो पता चला कि मॉडलिंग फंक्शन में बिहार की बहुत कम लड़कियां ही ऑडिशन के लिए आती हैं। ज्यादातर बंगाल की लड़कियां ही हर रीजनल में काम करने को तैयार हैं और बहुत मेहनती भी होती हैं। इसके साथ ही मणि ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि बंगाल की लड़कियां मीठी रसगुल्ला होती हैं और उन पर माँ काली का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है, इसलिए वो हर काम हर भाषा को बड़ी आसानी से अपना लेती हैं। नेक्स्ट टुनाइट न्यूज़ भोजपुरिया की रिपोर्ट।